तो चलिए, आप सभी लोगों को पता है 23 तारीख को सोम सर का बर्थडे है ना। मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था पिछली लास्ट में भी बताया था कि अपन बर्थडे अच्छे तरीके से, मतलब बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो बर्थडे सेलिब्रेट करें उसके लिए आपको एक लोकेशन चाहिए होगा, है ना। पार्टी भी करेंगे, खाना पीना मस्ती सब चलेगा। तो 23 तारीख को वेदा कॉम्प्लेक्स पे फर्स्ट फ्लोर पे 135 जो रूम नंबर है भंवर कुंवर स्क्वायर पे इंदौर में, आप सभी लोग इन्वाइटेड। आप अपन सब लोग मिलकर एक पार्टी करते हैं और सोम सर का केक कट वहीं पे करते हैं मिलके। लेकिन उसके अलावा क्लास में, लाइव क्लास में भी 11 बजे 23 तारीख को जब उनकी क्लास होगी वहां भी अपन एक बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे लाइव क्लास में। पर जो लोग पहुंच जाएंगे इंदौर में है उन सभी लोगों के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है वेदा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर पे 135 रूम नंबर पे, ठीक है। 23 तारीख को आप सभी लोग आमंत्रित है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, आज का जो अपना स्पेशल सेशन है जिसकी मैंने बात करी थी। यहाँ पे एमपी करंट अफेयर सैटरडे होता है ना। प्रत्येक शनिवार मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की क्लास आपकी होती है 2 बजे से, जिसमें घटना चक्र है आपकी, जो आपका जुलाई मंथ की, कौन सा जुलाई मंथ की घटना चक्र है, ये 21-22 के जुलाई मंथ की घटना चक्र है, उसी से संबंधित जो भी एमपी का करंट अफेयर है उसकी चर्चा हम इस सेशन में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले तो एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है इसकी जुलाई वाले की, कि इससे क्वेश्चन भी बना था अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 19 जून को भी क्वेश्चन बना था, और आगामी भी क्वेश्चन इससे बनते रहेंगे आपके जब तक अभी आपके एग्जाम नहीं हो जाते सारे, तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। जैसे मध्यप्रदेश में 5 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो मध्यप्रदेश से कितने लोग थे, तो अपने मध्यप्रदेश राज्य से कुल 5 लोग थे जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो इन 5 लोगों में कुछ महत्वपूर्ण बात है कि 3 लोग कला से थे। कितने लोग? 3 लोग। इसमें से जो मध्यप्रदेश में टोटल 5 लोगों को पद्मश्री मिला है, इनमें से जो 3 लोग हैं ये 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं किससे? आर्ट्स में, ठीक है। साथ ही साथ वन लिटरेचर, एक आपका साहित्य का है, और वन टू द मेडिकल फील्ड, एक अन्य है जो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से 5 लोगों को मध्य प्रदेश में पद्मश्री अवार्ड से चुना गया है, ठीक है। अब 5 में से 3 आपके कला वाले हैं, एक साहित्य वाले हैं और एक मेडिकल वाले हैं। अब एक और चीज याद रखना है कि भोपाल के जो मशहूर चिकित्सक है एनपी मिश्र, इनको मरणोपरांत मिला है, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जो मरणोपरांत मिला है अपने मध्य प्रदेश से, इनका नाम है डॉक्टर एनपी मिश्र। तो इस प्रकार से टोटल 5 लोगों को मिला। इन 5 लोगों के हम नाम की चर्चा करते हैं और कौन कहां से है इनकी भी चर्चा की जाए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डॉक्टर एनपी मिश्र साहब की। तो डॉक्टर एनपी मिश्र की बात करें, आप चिकित्सा क्षेत्र में है और मध्य प्रदेश में चिकित्सा जगत के पितामह के रूप में एमपी में जाने जाते हैं। भोपाल के, कहां के? भोपाल के निवासी हैं आप, और 5 सितंबर को आपका अभी हाल ही में निधन हुआ था। तो एमपी मिश्रा जी की बात करें जो चिकित्सा क्षेत्र से रहे हैं और मरणोपरांत आपको पद्मश्री अवार्ड मिला है, आप मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से संबंध रखते हैं। राजराजेश्वरी सोनी, हेलो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो एक पर्सन ये हो गए, सेकंड की बात करते हैं राम सहाय पांडे जी की। तो राम सहाय पांडे आपके कला के क्षेत्र में है, दूसरे नंबर पे राम सहाय पांडे, ठीक है। राम सहाय पांडे ये हैं जो राई के जाने माने नर्तक हैं, राई डांस के फेमस मतलब डांसर हैं, और इन्होंने राई जैसे परंपरागत नृत्यों को मृदंग के साथ लयकारी देकर एक नया इतिहास रचा, और ये सागर जिले के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? तो भाई साहब ये सागर जिले के निवासी हैं, ये जरूर आपको याद रखना है। ये सेकंड पर्सन हुए। फर्स्ट पर्सन में आपको नाम बताया एनपी मिश्रा जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, और दूसरे आपको नाम बताया मैंने जो आपके कला के क्षेत्र से, नाम है राम सहाय पांडे, सागर के निवासी। बात करते हैं थर्ड पर्सन जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो थर्ड वन है आपके दुर्गाबाई व्याम, ये है आपकी दुर्गाबाई व्याम, ये भी कला क्षेत्र की है, ठीक है। एक बड़ी बात, दुर्गाबाई व्याम जो है मंडला जिले के बुरबासपुर में पैदा हुई थी, और दुर्गाबाई की चित्रकारी सबसे ज्यादा आकर्षक विशेषता तथा कहने की उनकी क्षमता है। तो देखो दुर्गाबाई व्याम से भी क्वेश्चन भी पूछा गया था, है ना, इनका किस जनजाति से संबंध है ये पूछा गया था। तो दुर्गाबाई व्याम आपकी तीसरी प्रमुख व्यक्तित्व है जिन्हें मध्य प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार के लिए नाम चुना गया है, मंडला जिले से दुर्गाबाई व्याम की चित्रकारी के लिए कला के क्षेत्र। नेक्स्ट बात करें, चौथे नंबर पे अर्जुन सिंह धुर्वे, है ना, अर्जुन सिंह धुर्वे इनका भी नाम अगर आपने सुना होगा। तो चौथे व्यक्ति हैं जो आपके पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने गए हैं, और तीसरे व्यक्ति हैं जो कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने गए हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे इनका जन्म डिंडोरी जिले में हुआ,
अर्जुन सिंह का, कहां पे? डिंडोरी में। और बैगा लोक कला के ध्वजवाहक हैं, बैगा लोकगीत और नृत्य के लिए भी फेमस हैं। तो चार पांच नाम आपके सामने आ गए, एनपी मिश्रा, राम सहाय पांडे, दुर्गा बाई व्याम, अर्जुन सिंह धुर्वे। तो ऐसे करके ये चार हो गए। और पांचवे अंतिम जो है, जो पद्मश्री के लिए चुने गए हैं, इनका नाम है अवध किशोर जड़िया। नाम है अवध किशोर जड़िया और आपका संबंध लिटरेचर से है, ठीक है। लिटरेचर के क्षेत्र में आपने अच्छा कार्य किया और इसीलिए आपको पद्मश्री अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश से चुना गया है। बुंदेली कवि अवध किशोर जड़िया का जन्म हरपालपुर जिला छतरपुर में हुआ है। कहां पर? छतरपुर जिले के अंतर्गत हरपालपुर के हैं आप। और एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि बुंदेली कवि हैं और आपको मध्य प्रदेश से साहित्य के क्षेत्र में चुना गया और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये पांचवें व्यक्ति हैं, ठीक है। टोटल पांच व्यक्तियों का नाम लिया मिनी जैन। हाँ देखिए, सबसे पहले आपके आए कौन? तो एनपी मिश्रा जो कि चिकित्सा के क्षेत्र थे। फिर इसके बाद कला के क्षेत्र में आते हैं तीन लोग। तो कला के क्षेत्र में सबसे पहले राम सहाय पांडे, दुर्गा बाई व्याम और अर्जुन सिंह धुर्वे। फिर इसके बाद में साहित्य के क्षेत्र में आते हैं अवध किशोर जड़िया और आप हैं छतरपुर जिले के, जिन्हें पद्मश्री मिला। तो ये हो गई मध्य प्रदेश से पद्मश्री मिलने वाले लोगों की सूची। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो है आपका लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 स्टार्ट होता है। कौन सा? लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरे चरण का शुभारंभ। तो लाडली लक्ष्मी योजना जो 2.0 है, इसकी चर्चा की जानी है। जैसे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों की पढ़ाई में बढ़ावा देने के लिए, कि उनको पढ़ाई में क्या मिले, कि कहीं अच्छी जगह पे वो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या अच्छी जगह पे अपना अपना करियर बना सके, इसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू कराया। प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की घोषणा करी, 2.0 की मदद ली। और 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बच्चियों को 25,000 रुपए की रकम दी। कितनी? 25,000 रुपए की रकम। लेकिन ये रकम दो किस्तों में अलग अलग दी जाएगी, जबकि मेडिकल, IIM, IIT या इस तरह के किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने पर पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। यार सच में, अगर आपने किसी को एजुकेशन दे दी गलती से भी, किसी भी तरीके से, कैसे भी आपने उसकी मदद कर दी एजुकेशन में, तो ये समझो आपने उसका जीवन बना दिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है जो 2.0 स्टार्ट की गई है। तो नॉर्मल लेवल पे इनकी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में 25,000 रुपए दो किस्त में दिए जाएंगे। लेकिन अगर ये IIT, IIM या कि फिर इसी प्रकार से वो किसी अन्य संस्थान में, मेडिकल संस्थान में भी एडमिशन लेते हैं, तो उनकी पूरी फीस का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये थी आपके यहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। बहुत अच्छी स्कीम लगी मुझे, सीरियसली। क्यों? क्योंकि भाई ये एजुकेशन से रिलेटेड है। और अगर हमने किसी को शिक्षित कर दिया, कहते हैं ना कि एक दिन किसी को चावल दे दोगे, दो दिन किसी को क्या दे दोगे, गेहूं दे दोगे, आटा दे दोगे, लेकिन तीसरे दिन आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे यार परेशान हो गया, मैं डेली इसको दे रहा हूं, कहां से दूं, अपना चला नहीं पा रहा हूं, ये चला भी पा रहा हूं, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप उसे हल्के में लेने लग जाओगे। तो कहते हैं कि चावल दो मत, चावल उगाना सिखा दो सामने वाले को, कि भाई चावल उगाते कैसे हैं, उसको ये बता दो पैसे कमाते कैसे हैं। तो इनको आपने शिक्षा दे दी, मतलब सबसे बड़ा काम कर दिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। लाडी लक्ष्मी योजना 2.0 कंप्लीट हुई। ये 2.0 दो से 11 मई 2022 में, मतलब 2 से 11 मई के बीच में तो ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की नई स्टार्टअप नीति की शुरुआत हुई है। अब जो ये नई स्टार्टअप नीति शुरू हुई है, इसमें मोदी जी ने क्या किया था, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना सहयोग किया था, ठीक है। क्वेश्चंस लाओ अंकुश पटेल, क्वेश्चन में डेली कराता हूँ भाई, क्वेश्चन डेली कराता हूँ, पहले ये हो जाए, इसके बाद में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करा देंगे। बहरहाल पहले ये टॉपिक तो हो जाए, फिर इसके बाद में मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दूंगा, है ना। चलिए अब देखते हैं जरा, ये कोविड बड़ा खतरनाक था यार तुम्हारा। क्या लिखे हो? कृष्ण ने मारा था ना मामा को, इसीलिए लाडलों को कुछ नहीं किया, ठीक है भाई। चले देखते हैं टॉपिक में आते हैं अपन। मध्य प्रदेश सरकार की नई स्टार्टअप नीति की शुरुआत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति की घोषणा की और इंदौर में हुए मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप समुदाय से बात करी। मोदी जी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल का अनावरण भी किया, जो राज्य में स्टार्टअप वातावरण को आसान और बढ़ावा देगा। देखिए बस एक बात है कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप जो अभी आपके यहाँ पे नीति हुई है शुरू, ये इंदौर शहर में हुई थी। तो स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव इंदौर में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया।
बस इतना आपको यहाँ पे फिलहाल ध्यान रखना है। अब एक और अच्छा टॉपिक है, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम और बाबाई का नाम माखन नगर होगा। तो देखिए तीन जगहों के नाम बदले गए थे जिनमें होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया आप सभी को पता है नर्मदापुरम, और यहाँ पे बाबाई जो ग्राम है बाबाई में जो आपका माखनलाल चतुर्वेदी साहब थे तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्मस्थली है और इसीलिए उसका नाम बदलकर क्या कर दिया माखन नगर कर दिया गया। ठीक है, अब देखो एक और बात है कि बाबाई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है, क्या है बाबाई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ना, और इनके नाम के बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल माही धन्यवाद सभी लोग, हाँ वॉचिंग इतनी और लाइक कितने कम है, बिल्कुल सही है यार, एक बार सेशन को आप लोग फटाफट लाइक करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। मैं आपके मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का इतना डेटा लेके आऊंगा कि आपको कभी कमी नहीं होगी, आपका क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से छूटकर नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश जनसंपर्क हो, मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट हो, mpgovernment.go.in हो, मतलब कुछ भी हो, हर जगह से डेटा इकट्ठा करके लाऊंगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा एमपी करंट अफेयर, वो नहीं छूटेगा, एमपी से रिलेटेड कुछ नहीं छूटने वाला है। ठीक है, जो करंट अफेयर का टॉपिक है, इसलिए आप लोग सेशन को फटाफट शेयर करते जाओ और लाइक करो जितना ज्यादा हो सके। चलिए अब बात करते हैं, राज्य सरकार ने नाम बदलने का प्रस्ताव पिछले साल केंद्र सरकार को भेजा था, केंद्र सरकार को नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा था जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी और इसी के मुताबिक होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम होगा। वहीं बाबाई के प्रसिद्ध पत्रकार जो माखनलाल चतुर्वेदी थे इनका तो नगर ही था, जन्म स्थान ही था, और इसीलिए अब इस जगह का नाम बदलकर माखन नगर कहलाएगा। साथ ही टीकमगढ़ जिले की शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम कुंडेश्वर धाम, ये तीन नाम परिवर्तित किए गए थे। टीकमगढ़ जिले की शिवपुरी ग्राम है ना, टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम कुंडेश्वर धाम किया जाएगा, तो ये तीन नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलो 23 को सोम सर का बर्थडे है, सबको आना है स्क्राइबल जिम, हाँ ज्ञान बिल्कुल सभी को आना है 23 तारीख को सोम सर के बर्थडे में, सब लोग इनवाइटेड है, बढ़िया पार्टी मिलेगी, अरे फ्री का मिलता खाने को तो फिर क्या करना कमाने को, तो फ्री में एक दिन तो आ ही जा सकते हो ना, बढ़िया मजा आएगा वहां पे अपन सब मिलके, मतलब कुछ तो ऐसा करते हैं कि देखते हैं आप लोग और क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, तो पार्टी भी हो जाएगी और आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, है ना। चलिए बात करते हैं लता मंगेशकर की, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ तो ये आपको पता है इंदौर में हुआ था, पर कब हुआ था तो 1929 में हुआ था, है ना, और निधन 6 फरवरी 2022 को, हाल ही में 6 फरवरी 2022 को आपका निधन हुआ। अब क्यों इनका टॉपिक दिया गया, क्योंकि इनको अवार्ड्स मिले बहुत सारे, लाइक पद्मश्री। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पद्म भूषण की शुरुआत करते हैं, 1969 में पद्म भूषण, 89 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 96 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में आपको भारत रत्न मिला, तो लाइन से सारे पुरस्कार जैसे पद्म भूषण हो गया, फिर पद्म विभूषण हो गया, है ना, इसके अलावा भारत रत्न, तो पद्म भूषण 69 में, पद्म विभूषण 99 में और भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया कब, 2001 में, तो 2001 में आपको भारत रत्न मिला था, ये भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलो वेरी गुड, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला तो ये पूछा जा सकता है कि भारत रत्न इनको किस वर्ष में मिला था, तो सन 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। फिर ये पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा लो लेवल पे जाना है इससे कम, तो ये पूछा जाएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड कब मिला, तो 89 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, फिर विभूषण तो 99 में, भूषण तो 69 में मिला, और इसके बाद में इंदौर में इनका जन्म हुआ या मृत्यु कब हुई, ऐसा भी पूछा जा सकता है। एक और चीज, मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री, ये तीन प्रकार के पुरस्कारों की शुरुआत हुई है। अभी देखो ये तीन टाइप के नए पुरस्कार आपके यहाँ पर मिलेंगे, सबसे पहला मध्य प्रदेश रत्न पुरस्कार, देखो नया पुरस्कार है ये, फिर मध्य प्रदेश गौरव पुरस्कार और मध्य प्रदेश श्री पुरस्कार, ये तीन नए प्रकार के पुरस्कारों का अभी ट्रेंड आया। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष से मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश त्रि पुरस्कार प्रारंभ करने वाली है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तीन नए प्रकार के पुरस्कार शुरू होंगे, मध्य प्रदेश रत्न होगा, गौरव होगा और श्री पुरस्कार होगा, रत्न गौरव और श्री, इस टाइप के तीन प्रकार के पुरस्कार शुरू होंगे। ये पुरस्कार कला संस्कृति साहित्य विज्ञान चिकित्सा, देखो कला संस्कृति साहित्य चिकित्सा विज्ञान इन सभी क्षेत्रों में और शिक्षा के क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य करेंगे उन्हें दिए जाएंगे, लाइक नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज में भी ऐसा होता है कि कल, है ना, या फिर यू कहा जाए
सारे के सारे तो नहीं है नोबेल प्राइज के, पर जैसे फिजिक्स हो गया है ना, केमिस्ट्री हो गया नो, और फिर इसके बाद में इकोनॉमिक्स हो गया, तो वो छोड़ दो, आप अपने यहाँ पे आ जाओ कि जो 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में होता है, तो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा वैसे ही है, कला साहित्य फिर संस्कृति विज्ञान चिकित्सा और शिक्षा, अगर इनमें कोई अच्छा कार्य करता है तो 3 प्रकार के पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। सबसे पहला मध्य प्रदेश गौरव, फिर मध्य प्रदेश क्या नाम है इसका रत्न, और फिर इसके बाद मध्य प्रदेश श्री पुरस्कार। इस प्रकार से 3 नए प्रकार के पुरस्कारों की शुरुआत होगी। अब बात करते हैं निर्झरणी महोत्सव, चलिए नेक्स्ट देखते हैं निर्झरणी महोत्सव। अब देखो ये निर्झरणी महोत्सव क्या है, तो निर्झरणी मतलब नदी से रिलेटेड बिल्कुल होगा निर्झरणी महोत्सव, तो नर्मदा नदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कि टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी में पूरे राज्य को इवन दूसरे राज्यों को पानी की आपूर्ति करी है, पीने की फसल की हर प्रकार से, तो नर्मदा नदी को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कि हम कृतज्ञ हैं कि आपने नर्मदा जी ने हमें जल दिया, तो उसकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए राज्य सरकार निर्झरणी महोत्सव का आयोजन नर्मदा जयंती 8 फरवरी पर 11 जिलों में कराया था। ठीक है, कहां पे, राज्य सरकार के द्वारा 8 फरवरी को प्रदेश के 11 जिलों में निर्झरणी महोत्सव का आयोजन कराया था। याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि निर्झरणी महोत्सव का आयोजन कब हुआ था, तो 8 फरवरी को निर्झरणी महोत्सव का आरंभ कराया गया था। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 जिलों में ये आयोजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन क्या है, 4 नई नगर परिषदों का गठन हुआ है, कितनी, 4 नई नगर परिषदों का भी गठन हुआ है, तो जो 4 नई नगर परिषदें हैं उनकी भी बात करते हैं। ठीक है, देखो 4 नई नगर परिषदों के नाम याद जरूर रखना पड़ेगा, शासन के द्वारा राज्य शासन के द्वारा 4 नई नगर परिषद, अनूपपुर जिले में नगर परिषद बरगवां अमलाई, क्या नाम है, अमलाई, बरगवां या अमलाई कुछ भी कहते, सिंगरौली में सराई और बरगवां, तथा सागर जिले में कर्रापुर नगर निगम का नगर परिषद का गठन हुआ है। तो एक हो गई सागर में, फिर आपके यहाँ पे सराई और बरगवां, ये सिंगरौली में हो गई, 2 और 3 हो गई। इसके अलावा अपन चलते हैं अनूपपुर जिले में, तो अनूपपुर जिले में अमलई हो गई 4th नगर परिषद। तो इस प्रकार से ये आपके टोटल 4 नगर परिषदों का गठन किया गया है, 1 अनूपपुर में हुआ है, सिंगरौली में 2 हुई है और सागर में 1। चलिए, प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों को COVID-19 वैक्सीन का अभियान शुरू किया गया। तो ठीक है, 3 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, जो 15 से 18 साल तक के शिशु हैं इनके लिए भी कोविड वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो चुका था। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 4 नई नगर परिषद का गठन किया गया, जिनमें से आपका सबसे पहला अनूपपुर आएगा, सिंगरौली आएगी, 2 है यहाँ पे, और सागर में आपकी 1 है। तो इस प्रकार से नगर परिषदें नई है। सागर जिले की नगर पालिका परिषद गढ़ा कोटा की सीमा में भी वृद्धि की गई है। जो गढ़ा कोटा आपने देखा हो, गढ़ा कोटा क्षेत्र है किसका, सागर जिले की नगर पालिका परिषद का गढ़ा कोटा क्षेत्र आता है। बड़े नेता है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, गढ़ा कोटा उन्हीं का क्षेत्र है। ठीक है, अभी बड़ा नाम रहा है, अभी बीच में आया था मीडिया में। इसमें ग्राम पंचायत मगरधा के अनगरीय क्षेत्र मगरधा एवं ग्राम मगरधा, ग्राम पंचायत बेलई के ग्राम हौरदहार मजगवा, ग्राम पंचायत संजरा के ग्राम रंगुआ, ग्राम पंचायत बसारी के ग्राम बसारी और ग्राम पंचायत बरखेरा गौतम के ग्राम हिनौता को शामिल किया गया। तो इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्या शामिल क्या हटाया ये नहीं पूछा जाता है कभी, बस इतना याद रखना है कि सागर जिले की नगर पालिका परिषद गढ़ा कोटा की सीमा में वृद्धि की गई। कौन सा, सागर के गढ़ा कोटा की सीमा में वृद्धि की गई है। तो गढ़ा कोटा क्या है, नगर पालिका परिषद है, या नगर परिषद के नाम से जानी जाएगी पालिका परिषद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राज्य की जीडीपी, राज्य की जीडीपी में वृद्धि के लिए टास्क फोर्स समिति का गठन हुआ है। जो मध्य प्रदेश राज्य, इसकी सकल घरेलू उत्पाद इसमें किस प्रकार से वृद्धि की जाए, इसी के लिए टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई है। क्या बनाई गई है, तो टास्क फोर्स कमेटी एक बनाई गई है। ये कब से कब तक का करंट अफेयर है, देखिए ये करंट अफेयर अपना जुलाई महीने का है, पिछली क्लास में मैंने अगस्त महीने का करंट अफेयर पूरा कराया था, अब जुलाई महीने का करंट अफेयर करा रहा हूं, फिर इसके बाद में आपका मई वाला स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे करके प्रीवियस वाले पूरे, फिर अपडेटेड जो आगे के नए वाले होंगे उनको भी हम करा देंगे। ठीक है, राज्य शासन ने राज्य की जीडीपी में
वृद्धि करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों को चिन्हांकित करने के लिए टास्क फोर्स समिति का गठन किया और समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग है। बस इतना याद रखना, ये जो समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। समिति में अनेक विषय विशेषज्ञों के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। जीडीपी में वृद्धि करने के लिए निर्धारित लक्ष्य है, जैसे सरकारी खर्चे की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। सुसंगत उपायों के संबंध में अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार ने 31 जनवरी 2022 को प्रदान कर दी है। ठीक है, इस प्रकार से जीडीपी में वृद्धि करने के लिए छोटी मोटी स्कीम चलती रहती है, कोई ना कोई योजनाएं बनती रहती हैं और समितियां भी नई नई समय समय पर बनाई जाती रही हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अगली स्लाइड में नोवा विज्ञान मेला, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको मत छोड़ना। नोवा विज्ञान मेला, अब देखो नोवा विज्ञान मेला की अगर मैं बात करूं, भोपाल में जम्बूरी मैदान है, कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई भी कैंपिंग होगी, तो आपको पता है जम्बूरी मैदान में लगती है। कहाँ लगती है? जम्बूरी मैदान में। तो 7 जनवरी से 10 जनवरी तक नोवा विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, उद्घाटन राज्यपाल के द्वारा किया गया और ये मेला मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं विज्ञान भारती की ओर से आयोजित किया गया है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि अभी आपके यहाँ पर जो विज्ञान मेला है वो कहाँ आयोजित किया गया, तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जम्बूरी मैदान में नोवा विज्ञान मेले का आयोजन हुआ है, उद्घाटन किया गया है राज्यपाल के द्वारा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 7 से 10 जनवरी तक ये आयोजन नौवे विज्ञान मेला का किया गया है। तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फिर से बता देता हूं। विज्ञान मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर जम्बूरी मैदान में हुआ, कब से कब तक, तो 7 से लेकर 10 जनवरी तक हुआ है। उद्घाटन किया है किसने? राज्यपाल महोदय ने किया है। और एक बात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं विज्ञान भारती की ओर से इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और वर्तमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा। अब यहाँ पे आपको राज्य के और केंद्र के दोनों विज्ञान मंत्री याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला। देखिए समिति के गठन के लिए अध्यक्ष चतुर्वेदी जी को बताया था और उपाध्यक्ष में आपको क्या बताया था, तो उपाध्यक्ष के लिए आपको यहाँ पे योजना आयोग बताया था कि ये आपकी योजना आयोग क्या है, उपाध्यक्ष का पद योजना आयोग के पास में है, नीति एवं योजना आयोग। ठीक है, प्रदेश की पहली सोलर सिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रदेश की पहली सोलर सिटी। देखिए सांची रायसेन जो है, रायसेन में आता है जो सांची, बौद्ध स्तूपों के लिए फेमस है, 1989 में आपको बताया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। लेकिन जो सांची शहर है, ये सांची शहर प्रथम सोलर सिटी के रूप में जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे शहर में सोलर पैनल का यूज किया गया है, है ना, तो तकनीकी संस्थानों को ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट से संचालित किया जाएगा और इसीलिए सांची रायसेन जो है आपका, ये पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश की जानी जाएगी। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी तो सांची। ठीक है, ये फैक्ट को आप अगर चाहें तो थ्योरी वाले फैक्ट में भी एड करना चाहें, एमपीजी के जहां पर आपने पढ़ी होगी वहां में से ऐड कर सकते हैं। क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो प्रदेश की पहली सोलर सिटी है वो कौन सी है? सांची है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश व्यापी निशुल्क बसेला टीकाकरण। क्या है? प्रदेश व्यापी निःशुल्क बसेला टीकाकरण। अब इस टीकाकरण के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका बसेला टीकाकरण था ये क्या था या क्यों आया था। तो देखिए हसिलोसिस, क्या नाम है, हसिलोसिस या हसिलोसिस बीमारी की रोकथाम करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में प्रदेश ने 1 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया और हसिलोसिस रोग जो गाय और भैंस वंशीय पशुओं में प्रजनन संबंधी बीमारी है, देखो प्रजनन संबंधी बीमारी है, किसके अंदर, हसिलोसिस रोग के अंदर गायों और भैंसों में वंशीय पशुओं में प्रजनन संबंधी एक बीमारी है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि बसेला टीकाकरण किसके लिए था, कौन से जानवरों के लिए, तो गायों और भैंसों के लिए था बसेला टीकाकरण कार्यक्रम। क्यों चलाया गया? क्योंकि एक रोग है हसिलोसिस रोग, तो हसिलोसिस रोग हो जाने पर गायों और भैंसों को उनमें जो प्रजनन होता है, जो उनमें पशुओं में प्रजनन होता है वो रुक जाता है, तो इसीलिए ये टीकाकरण किया गया कि उनको हसिलोसिस रोग ना होने पाए। जो इसिलोसिस एबॉर्टस
जीवाणु के कारण होता है, इसके जीवाणु का नाम है, क्या नाम है, इसिलोसिस अवोल्टस जीवाणु। तीन महत्वपूर्ण फैक्ट मिले। सबसे पहला बसेला टीकाकरण अभियान। तो बसेला टीकाकरण अभियान किसके लिए है, तो ये आपका गौ और भैंस इनके लिए ये अभियान चलाया गया है, निःशुल्क टीकाकरण अभियान है, बसेला टीकाकरण अभियान। क्या होता है, तो गाय और भैंसों को हसिलोसिस रोग हो जाता है, जिसके कारण इन्हीं पशुओं में प्रजनन संबंधी बीमारी हो जाती है। तो अगर ये टीकाकरण होगा तो प्रजनन संबंधी बीमारी नहीं होने पाएगी। और दूसरा एक बड़ा फायदा और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन यहां से और ये बन सकता है कि कौन से जीवाणु से होता है, तो इसिलोसिस अबॉर्टस नामक जीवाणु से ये रोग हो जाता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। इस रोग के लक्षणों में बुखार, गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात, बांझपन, हीट में देरी, जेविटेशन, बाधा आदि बाधाओं की, मतलब ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है, और दुग्ध उत्पादन में कमी भी इसकी एक बड़ी समस्या है, राइट। तो जानवरों के लिए ये आपका गाय और भैंसों के लिए बसेला टीकाकरण अभियान है, क्योंकि जो दुग्ध की आपूर्ति होती है तो इन्हीं से होगी ना, गाय और भैंसों से ज्यादातर, तो भाई इनको टीकाकरण लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस टीकाकरण का नाम है बसेला टीकाकरण अभियान, ठीक है। चलो बात कर रहे हैं नेक्स्ट, प्रकृति पथ। क्या नाम है इसका, प्रकृति पथ नाम है। प्रकृति पथ में क्या होगा, प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों को वन, वन्य जीव और पर्यावरण के विभिन्न घटकों से रूबरू कराने के लिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में 15 जनवरी से प्रकृति पथ नेचर ट्रेल आयोजित की गई, और 83 में स्थापित 3-in-1 ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 79 है एक्चुअल में इसका डेट, पर 83 कहीं कहीं मिल जाता है। तो प्रकृति पथ स्कीम पर्यटकों के लिए चलाई गई, और ये प्रकृति पथ स्कीम किस नेशनल पार्क में चली, बस यही क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि प्रकृति पथ स्कीम किस नेशनल पार्क में चली। तो प्रकृति पथ स्कीम आपका नेचर ट्रेल या प्रकृति पथ स्कीम चलाई गई है वन विहार नेशनल पार्क में। कहां पर, वन विहार नेशनल पार्क में। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति पथ स्कीम किससे संबंधित है, तो पर्यटकों को और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में ये स्कीम चलाई गई थी। चलो बात करें ई गवर्नेंस और उत्कृष्टता लाने के लिए नगर निगम इंदौर स्वर्ण मेडल से सम्मानित हुआ। अरे वाह, ई गवर्नेंस में जो आपका क्या है, ई गवर्नेंस होता है, इसमें उत्कृष्टता के लिए नगर निगम इंदौर स्वर्ण मेडल से सम्मानित हुआ। तो इंदौर नगर निगम को गोल्ड मेडल मिला है किसके लिए, ई गवर्नेंस में उत्कृष्टता लाई है। ई गवर्नेंस बहुत अच्छे से काम किया है इंदौर नगर निगम ने। हैदराबाद में हुए 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में नगर निगम इंदौर ने एप 311 सेवा संचालक के लिए ई गवर्नेंस के स्वर्ण पुरस्कारों की श्रेणी में अपना स्थान बनाया है, और इसके लिए नगर निगम को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह के द्वारा प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह 2,00,000 रुपए के नगद पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो ई गवर्नेंस में उत्कृष्टता लाने वाला नगर निगम इंदौर नगर निगम रहा है, जहां पे 24वां राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ था हैदराबाद शहर में। कहां पे हुई थी, तो हैदराबाद शहर में 24वीं राष्ट्रीय ये समारोह हुआ था, ठीक है। ये भी हो गया अपना ई गवर्नेंस में इंदौर नगर निगम को मिल गई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, देखिएगा एक और चीज है, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो आपका होम मिनिस्ट्री है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की बात हो रही है, राज्य की नहीं, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जो इंदौर का आपका पीटीसी है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, इंदौर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आईपीटीसी है ना, तो जो आपका आईपीटीसी है या इंदौर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, इसको देश का, पूरे भारत देश का सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चुना है। ध्यान रखना, देश के सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इंदौर को चुना गया है। जो इंदौर का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, उसे ही सबसे बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चुना गया है। याद रखना, यह पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलो आईपीटीसी नेक्स्ट, मिंटो हॉल, ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही विधानसभा भवन। अब बात करते हैं मिंटो हॉल की। तो 1909 में नवाबकालीन इस इमारत को, नवाबकालीन आपको पता है नवाबों का शहर रहा है ना, पटौदी के क्षेत्र रहा है नवाब पटौदी का। नवाबकालीन इस इमारत को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर
चौथी बेगम सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। देखिए चार बेगम हुई थी, कुदसिया बेगम पहली बेगम थी है ना, और ये यहाँ पे जो बेगम सुल्तान जहां बेगम थी, तो सुल्तान जहां बेगम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, इस महल का निर्माण कराया गया था जिसे बेगम महल के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में लॉर्ड मिंटो के नाम से उसी टाइम पे तुरंत ही तत्काल ही उसी समय पे लॉर्ड मिंटो के नाम से उसका नाम मिंटो हॉक कर दिया गया, जिसका अभी हाल ही में भी क्या किया गया है, परिवर्तित किया गया है, इसको यहां से परिवर्तित कर दिया गया, नई विधानसभा आपकी हो गई है अब, है ना। राग अमीर 2022 वाला देखते हैं कहां हुआ है। तो राग अमीर पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, इंदौर घराने के मूर्धन्य गायक उस्ताद अमीर खां की स्मृति, इंदौर में संगीत समारोह राग अमीर 2022 का शुभारंभ किया। तो राग अमीर समारोह का आयोजन कहाँ होगा, तो अमीर खान समारोह या राग अमीर समारोह इंदौर में होगा, क्योंकि राग अमीर या अमीर खान कहाँ के थे, तो इंदौर के थे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, राग अमीर समारोह 2022 का कहाँ हुआ, इंदौर शहर में हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण बात इसका, जो मतलब अगर कहा जाए कि शुभारंभ किसने किया, तो उषा ठाकुर इंदौर घराने के मूर्धन्य गायक उस्ताद अमीर खान की स्मृति में जो इंदौर में जो समारोह हुआ है उसका नाम राग अमीर समारोह है। बस इतना ही याद रखिए, ज्यादा विशेष कुछ इसमें याद रखने लायक है। शुभदा भोसले, ये इंपॉर्टेंट है, शुभदा भोसले ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि आपको पता है आजकल अपने यहाँ पे जो वो बनते हैं कमेंटेटर बनते हैं, तो कमेंटेटर से रिलेटेड है, तो लेडी कमेंटेटर अपने यहाँ से गई है। मध्यप्रदेश की रहने वाली शुभदा भोसले गायकवाड़, क्या नाम है, शुभदा भोसले गायकवाड़ का नाम याद रखना, शुभदा भोसले गायकवाड़ ने खेल जगत की दुनिया में नया मुकाम हासिल किया है, और शुभदा देश की सबसे युवा महिला अंपायर बनी है। देश की सबसे युवा महिला अंपायर कौन है, तो ये मध्यप्रदेश की शुभदा भोसले, वर्तमान में खाड़ी देश ओमान में लीजेंड लीग टूर्नामेंट में अंपायरिंग कर रही है, जो देश के ख्यात क्रिकेटरों के बीच में खेले जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी आपको बता दूं कि बीसीसीआई के द्वारा प्रॉपर इसका एग्जाम होता है, और 98% बच्चे फेल हो जाते हैं, है ना, इतना खतरनाक एग्जाम होता है कि आईएएस वाईएएस कहीं नहीं लगता, इतना खतरनाक लेवल का इसका एग्जाम होता है, किसका, अंपायरिंग जो करता है ना इनके लिए, ठीक है ना। चले अब एक और बात सुन लीजिए, शुभदा भोसले गायकवाड़ ये मध्य प्रदेश की है, और सबसे युवा महिला एम्पायर अभी चुनी गई है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी आते हैं संग्रहालय, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 23 जनवरी 2022 को जबलपुर में केंद्रीय कारावास में, जो आपका सेंट्रल जेल है, केंद्रीय कारावास है, इसमें सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संग्रहालय का प्रारंभ किया गया, जो सेंट्रल जेल है उसमें संग्रहालय बनाया गया, किसकी याद में, सुभाष चंद्र बोस की याद में। मध्यप्रदेश सरकार की पहल से यह प्रदेश का प्रथम और देश का दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय होगा। तो देखिए मध्यप्रदेश राज्य का पहला जो संग्रहालय है नेताजी सुभाष चंद्र संग्रहालय, ये कहां मिलेगा, सेंट्रल जेल भोपाल में मिलेगा, ठीक है। सेंट्रल जेल भोपाल में नवीन संग्रहालय बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय। दूसरी बात, नई दिल्ली में 2019 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में एक संग्रहालय स्थापित है। तो पहले से ही आपका एक संग्रहालय देश का कहां पे, नई दिल्ली में 2019 में बना था, और अभी हाल ही में अपने यहां पे 23 जनवरी 2022 में एक और, देखो ये यहां पे जबलपुर में, भोपाल नहीं, जबलपुर में केंद्रीय कारावास में, माफ करना मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, भोपाल निकल गया शायद गलती से, तो वहां जबलपुर है ना, जबलपुर का जो सेंट्रल जेल है उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय बनाया गया है। मध्य प्रदेश का पहला संग्रहालय इनके नाम से, और देश का दूसरा संग्रहालय है, क्योंकि 2019 में जो संग्रहालय बना था नई दिल्ली में, ये आपका पहला संग्रहालय था इनके नाम से, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा करंट अफेयर के लिए एमपी पे। फिर छतरपुर की बात करते हैं, छतरपुर में क्या कुछ खासियत मिलती है यहाँ पे करंट से रिलेटेड। मोदी जी ने 112 आकांक्षी जिले के उत्तराधिकारी अधिकारियों और संभागायुक्तों को संबोधित करते हुए
छतरपुर जिले की प्रशंसा करी। देखिए 112 आकांक्षी जिलों के अधिकारी और संभाग आयुक्तों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है ना, उनको संबोधित करते हुए छतरपुर जिले की प्रशंसा करी। क्यों? मोदी जी ने कहा कि छतरपुर में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 375 से लेकर 975 हो गया है, कि अब ज्यादा से ज्यादा प्रेग्नेंट लेडीज का पंजीयन हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अब जो प्रसव है, प्रसव कराने से पहले ही है ना, तो प्रेग्नेंट लेडीज का क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि इतनी प्रसव लेडीज, प्रसव कराने वाली महिलाएं हैं, इससे उनमें आने वाले आगामी खतरों से उन्हें बचाया जा सकता है। तो 375 से 975 हो गया है और ये हमारे राज्य के छतरपुर जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे छतरपुर जिले का नाम आपको इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका, अभी मोदी जी ने इसकी तारीफ की है कि 375 से जाकर 975 यहाँ पे गर्भवती महिलाओं का पंजीयन हुआ है, ठीक है, तो ये बढ़ा है यहाँ पे पंजीयन। साहित्य अकेडमी के द्वारा 6 बोलियों के साहित्यिक कृति पुरस्कारों की घोषणा। ओहो, देखिए कितनी बोलियों के लिए, 6 बोलियों के लिए साहित्य अकेडमी ने साहित्यिक कृति पुरस्कारों की घोषणा करी है। वो कौन सी बोलियां हैं? तो देखिए 6 बोलियों के लिए मध्य प्रदेश की 6 बोलियों के लिए 18 एवं 19 के साहित्यिक कृति पुरस्कारों की घोषणा हुई है। जैसे मालवी को भी मिला है, निमाड़ी को भी मिला है यहाँ पे, तो बघेली और बुंदेली को भी मिला है, और साथ में भीली और गोंडी को। तो 2 जनजाति वाले क्षेत्र ले लेना भीली और गोंडी, और 2 पूरब में चले जाना बुंदेलखंड और बघेलखंड, और 2 यहां आ जाना साउथ और कहां पे आपका वेस्टर्न पे, मतलब मालवी और निमाड़ी। तो इन 6 बोलियों में रचित रचनाओं के लिए साहित्यिक अकेडमी के द्वारा साहित्यिक कृति पुरस्कारों की घोषणा की गई है, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है ना, कुछ चीजें आपको याद रखनी है साहित्यिक पुरस्कारों के लिए। साहित्य अकेडमी के द्वारा 6 बोलियों के साहित्यिक कृति पुरस्कारों की घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश के 6 बोलियों में ये पुरस्कार 6 बोलियों को दिया गया उनकी रचनाओं के लिए। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियों के लिए दिया गया है अगर मैं बात करूं, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको पूरब में चले जाना है, तो पूरब में मिलेगा बुंदेलखंड और बघेलखंड। इसके बाद में आप नीचे आ जाना तो मालवा के पास चले जाना, तो मालवा और निमाड़। फिर इसके बाद में आप चले जाना कहां, जनजाति वाले में, तो जनजाति वाले में आपको मिल जाएगा क्या, भील और गोंड। तो इन दोनों को भी क्या मिला है यहाँ पे, पुरस्कार साहित्य एकेडमी के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। एक बार सेशन को फटाफट सभी लोग लाइक कर दे जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, और एक बार शेयर भी कर दो। भीली और गोंडी बोली के लिए पुरस्कार के लिए कोई भी कृति प्रविष्टि के रूप में प्राप्त नहीं होने से शेष बची 4 बोलियों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। साहित्यिक कृति पुरस्कार में सम्मान स्वरूप 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। देखो भीली और गोंडी के पुरस्कार के लिए कोई भी कृति प्रविष्टि के रूप में प्राप्त नहीं हुई, देखो भीली और गोंडी भाषा में कोई भी रचना सामने नहीं आई, इसीलिए केवल 4 बोलियों का पुरस्कार फाइनली दिया गया, लेकिन नामित किया गया था 6 को। तो बुंदेलखंड, बघेलखंडी है ना, बुंदेली, बघेली, मालवी और निमाड़ी, इन 4ों को इनकी रचनाओं के लिए पुरस्कार मिल गया, लेकिन किसका, भीली और गोंडी में कोई रचना सामने नहीं आई, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार नहीं मिल पाया है। साहित्यिक कृति पुरस्कारों में 2018 के लिए मालवी में, ऐसे देखो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जो था मैंने वो आपको बता दिया। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र, ये इंदौर वाला बहुत बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो जरूर याद कर लेना भाई, बिल्कुल मत छोड़ना इसे। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी का जो संयंत्र है, जो ये प्लांट लगा है, बायो सीएनजी प्लांट या बायो सीएनजी संयंत्र लगा है, मोदी जी ने 19 फरवरी 2022 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में, कहां पर, एमपी के इंदौर में 150 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गोबरधन संयंत्र का उद्घाटन किया है 150 करोड़ की लागत से। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने इसका उद्घाटन करा है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 फरवरी 2022 को किया था, ठीक है ना, बिल्कुल इंदौर में है ये आपका बायो सीएनजी का प्लांट लगा हुआ है, ठीक है ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने यहां पर, क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी का संयंत्र है। बायो सीएनजी संयंत्र का सिद्धांत संसाधन वसूली को अधिकतम करने के लिए वेस्ट टू वेल्थ, जो वेस्ट होता है उसको वेल्थ, और सर्कुलर इकोनॉमी को लागू करना है। नगर निगम का ठोस अपशिष्ट कचरा गोबर धन संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन
शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। देखो क्या है, सारा का सारा जितना कचरा होता है नगर निगम इंदौर का या पूरे भी नगर निगम के क्षेत्र का, वो सारा कचरा ले जाकर फिर इसको क्या कर लेते हैं, यहीं पे ये प्रॉपर इसका यूटिलाइज कर लेते हैं। तो वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए ये कचरा मुक्त शहर बनाने के दृष्टिकोण से मोदी जी ने इसे देखा है और भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत ये शामिल है। एशिया का सबसे बड़ा है। इस संयंत्र में 550 टन अलग अलग गीले जैविक कचरे के उपचार की क्षमता होगी। कितना टन? 550 टन, 550 टन अलग अलग, एक नहीं अलग अलग गीले कचरे के उपचार की क्षमता है। संयंत्र की प्रतिदिन क्षमता 17,000 से 19,000 किलोग्राम बायोगैस और 100 टन जैविक खाद का उत्पादन करना है। देखिए ये जो संयंत्र है 17,000 से लेकर 19,000 किलोग्राम बायोगैस, साथ ही साथ 100 टन जैविक खाद भी उत्पादन करता है। कितना टन? 100 टन जैविक खाद प्रतिदिन निकालता है, साथ ही साथ 17,000 से 19,000 किलोग्राम बायोगैस का भी उत्पादन प्रतिदिन करता है। ये संयंत्र शून्य लैंडफिल मॉडल पर आधारित है जिससे कोई अवशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा। शून्य लैंडफिल मॉडल मतलब किसी भी प्रकार का कोई अवशिष्ट बचेगा ही नहीं, सबका यूटिलाइज करा लेंगे, है ना। जो बचा उसको खाद बना दिया, जो बचा उससे गैस निकाल दी, फिर जो बचा तो मतलब ऐसा कि कोई कचरा इसके लिए फिर बचता ही नहीं है, वेस्टेज बचता ही नहीं है। बिल्कुल पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, है ना, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से ये प्राप्त कर सकते हो। संयंत्र के द्वारा उत्पादित सीएनजी का 50% आईएफसी के द्वारा सीएनजी पर 400 सिटी बसों को चलाने के लिए खरीदा जाएगा। अब देखो जो सीएनजी जो बायोगैस वहां से मिलेगी, मैंने 17,000 किलोग्राम है ना, तो ये जो आपको 17,000 मिलेगी सीएनजी या गैस, आपको बायोगैस मिलेगी, तो ये संयंत्र के द्वारा उत्पादित सीएनजी का 50% इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो सिटी बस चलती है शहरों में उनमें 400 सिटी बसों को चलाने के लिए खरीदा जाएगा और शेष को ओपन मार्केट में बेचा जाएगा, ठीक है ना। तो जो 50% होगा वो सिटी बसेस के लिए खरीद लेंगे और बचा हुआ 50% ओपन मार्केट में ये आपका सीएनजी गैस बेच दी जाएगी। इस परियोजना के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड के द्वारा किया गया था, ठीक है। 17,000 से 19,000 किलोग्राम बायोगैस निकलेगी डेली, बहुत बड़ी बात है यार। राम वन गमन पथ का पुनरावलोकन पुस्तक, राम वन गमन पथ जो है इस पुस्तक का पुनरावलोकन हुआ है, ठीक है, या इस पथ का पुनरावलोकन हुआ है, इसके ऊपर एक पुस्तक है। मुख्यमंत्री ने राम वन गमन पथ पुनरावलोकन पुस्तक का विमोचन किया है और इसके लेखक कौन है ये देख लीजिए बस आप, कि इसके जो लेखक हैं डॉक्टर राम गोपाल सोनी। डॉक्टर सोनी भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त रिटायर्ड अधिकारी हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं। इन्होंने राम वन गमन पथ का पुनरावलोकन इस नाम से पुस्तक लिखी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अगली स्लाइड। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। अब जियोलॉजिकल पार्क अपने यहां पे खुला था, पहले भी शायद मैंने उस टाइम पे आपको पढ़ाया था, है ना। चलो क्या हो गया, क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग, देखें जरा, कुछ कमेंट चल रही है। चले टॉपिक पे आ जाए। देखिए अगर हम टॉपिक की बात करें यहाँ पे, तो जबलपुर में आपके यहाँ पर देश का पहला जूलॉजिकल पार्क गठित किया गया है। भूगर्भ की दृष्टि से मध्य प्रदेश के जबलपुर की अहमियत को समझते हुए लम्हेटा घाट क्षेत्र, जो लम्हेटा घाट क्षेत्र है इसकी भूगर्भीय दृष्टि को समझते हुए यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी मिल गई है और ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने इसकी स्वीकृति ली है। तो जूलॉजिकल पार्क लम्हेटा हिल जबलपुर में स्थापित होने जा रहा है, इसकी मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के 3 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलेगा। तो 3 बच्चों में सबसे पहले अभी शर्मा इंदौर है, 12 साल की छोटी उम्र में अभी शर्मा के नाम कई उपलब्धियां। अभी शर्मा ने बाल्मुखी रामायण भी लिखी है, वाह 12 साल का बच्चा है, 12 साल, अरे आप जितनी उम्र में उतनी उम्र में नहीं सोच पाते क्या करें। जिस बच्चे ने 12 साल की उम्र में क्या लिखी है, अभी शर्मा ने बाल्मुखी रामायण या बाल रामायण या बाल्मुखी रामायण। दूसरे कौन है जिनको ये पुरस्कार मिला है, तो 3 बच्चों को जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला उसमें अभि शर्मा हो गए बाल्मुखी रामायण के लिए, और दूसरी है बनिता दास अनुपुर की। तो बनिता दास ने नासा स्पेस फाउंडेशन और अंतरराष्ट्रीय खगोल शाखा के मिशन में
एक क्षुद्र ग्रह की खोज की थी और इसका नाम बनीता के नाम पर ही रखा गया है। वाह क्या बात है। अनूपपुर की बनीता दास ने नासा स्पेस फाउंडेशन और इंटरनेशनल खगोल शाखा के मिशन में एक क्षुद्र ग्रह की खोज की थी और इसी पर उनके नाम से ही बनीता के नाम पर उस क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। ठीक है आगे देखो। अनुज जैन हरदा से और अनुज जैन को यह सम्मान शैक्षणिक क्षेत्र में मिला है, तो तीन बच्चों को ये अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। ठीक है अपनी उम्र तक आते आते अपन ये सोच भी नहीं पाते, सही है ना। आप देख लो इन लोगों को बाल पुरस्कार मिला, एक ने सीधा सीधा क्या किया है खगोल सागर के मिशन में क्षुद्र ग्रह की खोज करी, एक ने बाल्मुखी रामायण लिख दी अभी शर्मा इंदौर ने, बनिता दास अनूपपुर की और अनुज जैन जो है ये हरदा से। नर्मदा एक्सप्रेस वे, चलिए बात करते हैं नर्मदा एक्सप्रेस वे की। नर्मदा एक्सप्रेस वे की शुरुआत हुई कहां से, चलेगी कहां को चलेगी, ये सारी चीजें भी देख ली जाए। ठीक है देखो नर्मदा एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक मिनट रुकिएगा है ना जस्ट। हाँ चलो मध्य प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है मतलब पूरे भारत में, तो मध्य प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 1265 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। अब ये जो नर्मदा एक्सप्रेस वे बनेगा तो ये नर्मदा रूट को ध्यान में रखते हुए कुल 11 जिलों से, कितने जिलों से, क्या 11 जिलों से गुजरेगा। तो बस इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा एक्सप्रेस वे कुल कितने जिलों में चलेगा, है ना, नर्मदा एक्सप्रेस वे कुल कितने जिलों के लिए रहेगा। तो नर्मदा एक्सप्रेस वे आपका 11 जिलों के लिए रहेगा, ध्यान रहेगा नर्मदा एक्सप्रेस वे कितने जिलों से, तो 11 जिलों से गुजरेगा। बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, अगली स्लाइड में है मोहम्मद अरशद खान, क्या नाम है, मोहम्मद अरशद खान, क्यों फेमस हुए ये। तो बैंगलोर में आईपीएल 2022 के 15वें सीजन की मेगा ऑक्शन में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के गोपालगंज निवासी ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद अरशद खान आईपीएल की मुंबई इंडियन टीम का हिस्सा बन गए, इसलिए ये फेमस हुए हैं। ठीक है बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, कौन सी जिले के हैं, तो आप सिवनी जिले के हैं, आपका चयन आईपीएल में कौन सी टीम से, तो MI मुंबई इंडियन में हुआ है। ठीक है बेंगलुरु में आयोजित आईपीएल 2022 के 15वें सीजन में MI मुंबई इंडियन टीम में सिवनी जिले से आपका चयन हुआ है। ठीक है अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, क्या है, बायोमास पर आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास पर आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, अब जो हाइड्रोजन संयंत्र अलग से आए, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। तो बायोमास पर आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कौन से जिले में लगेगा, तो ये आपका खंडवा में लगेगा। ठीक है कहां पर, खंडवा जिले में लगेगा। संयंत्र प्रतिदिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, इसके पास में 30 टन बायोमास फीड स्टॉक रहेगा जिससे प्रतिदिन 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। मतलब अगर 30 टन बायोमास फीड स्टॉक मिल जाएगा तो इससे 1 टन हाइड्रोजन का ये उत्पादन कर लेगा। स्थापित कहां होगा, खंडवा जिले में स्थापित कराया जाएगा। बात करें नेक्स्ट, ये है आपका हाइड्रोजन। ठीक है तो 1 टन हाइड्रोजन बनाया जाएगा 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रामसर साइट भोज वेटलैंड में शीतकालीन पक्षी गणना। अब रामसर साइट का भी मैं बताऊंगा आपको, अपने यहां से 4 रामसर साइट टोटल हो चुकी है तो इनकी भी चर्चा करूंगा। भोज वेटलैंड में शुरू हुई शरतकालीन पक्षी गणना में 207 प्रजातियों के पक्षियों की पहचान की गई है। कितने, 207 प्रजातियों के पक्षियों की पहचान हुई है। ठीक है अब ये जो 207 पक्षियों के प्रजातियों की पहचान हुई है, इनमें से कौन कौन से पक्षी हैं। प्रवासी पक्षियों में बार हेडेड गीज है, ग्रे लैग गीज है, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड है, कॉमन पोचार्ड है, यूरेशियन विजन है, नॉर्दर्न सॉबलर है, कॉमन कूट है, कॉम डक है, रडकी जो रेडी शोल्डर है, ये सभी पक्षियों की पहचान रामसर साइट भोज वेटलैंड में की गई है। 207 पक्षियों के प्रजातियों की पहचान है जिनमें प्रवासी पक्षी जो हैं, तो ये प्रवासी पक्षी ये सारे। ठीक है 207 प्रजातियों के पक्षियों की पहचान हुई है भोज वेटलैंड साइट में, जिनमें से जो प्रवासी पक्षी, इनके नाम याद रखेगा, बार हेडेड गीज है, फिर ग्रे लेग गीज है, इनका नाम बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ये कौन सा पक्षी है या कहां पे पाया जाता है, तो प्रवासी पक्षी कौन सा है या प्रवासी कौन सा नहीं है ऐसा पूछा जा सकता है ना। कॉमन पोचार्ड है, यूरेशियन विजन है, नॉर्दर्न सॉबलर है, कॉमन कूट है, कॉम डक है, इस प्रकार से ये सारे के सारे आपके प्रवासी पक्षी हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे ये प्रवासी पक्षी
इसके अतिरिक्त कॉमन टील, लिटिल ग्रीब, स्पॉट डक, क्या है, बेल डक, कॉटन टील, ये सारे पक्षियों के नाम है। इतने सारे पक्षी भी पहचान किए गए हैं, 207 वाले हैं ये। हेरिटेज मदिरा, हेरिटेज मदिरा, ओहो मदिरा के लिए भी पढ़ो, मदिरा लो, अब मदिरा भी पढ़ना है ना। माइक्रो डिस्टलरी से महुआ फूल से हेरिटेज मदिरा बनाने के लिए पायलट फेस में अलीराजपुर और इंदौरी जिले का चयन किया गया। पायलट फेस है ना, शुरुआती चरण है। बाद में खंडवा जिले के खालवा विकास खंड को भी पायलट फेस के रूप में शामिल किया। खंडवा वाले बोले अरे यार हमें भी शामिल कर, है ना। तो तीन जिलों को, अलीराजपुर, डिंडोरी और खंडवा, यहाँ पे महुआ फूल से हेरिटेज मदिरा बनाने का काम होगा। ठीक है, अब देखो महुआ महारानी समझते हो, देसी वाली जो मिलती है महुआ से बनती है, तो उससे हेरिटेज मदिरा बनाई जाएगी। ठीक है, और इसका दाम तो अब आप सोच लो कि अगर उसमें कभी भी टेक्नोलॉजीज का किसी भी जगह पे यूज कर दिया जाए तो खतरनाक ही काम हो जाना है। ठीक हैरिटेज मदिरा की शुरुआत हुई है अलीराजपुर, डिंडोरी और खंडवा जिले से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश के जनजातियों द्वारा, समुदाय के द्वारा पारंपरिक रूप से महुआ फूल से शराब बनाई जाती है जिसका वे पारंपरिक उपयोग करते हैं, और हेरिटेज मदिरा को देसी शराब से अलग माना जाएगा। हेरिटेज मदिरा जो है महुआ से ही बनती है देसी, लेकिन इसको उससे अलग माना जाएगा। ये इकलौती ऐसी शराब है जो किसी फूल से बनाई जाती है। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी में किए जाने की शुरुआत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से की जाएगी, ये एक अलग फैक्ट है। तो इस प्रकार से यहीं पे हम आज के अपने सेशन को समाप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि बचा हुआ जो पार्ट होगा वो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। एमपी के करंट अफेयर का जुलाई मंथ का जो ये सेशन था ये हमने अभी पढ़ा है, और इसकी अभी दो क्लासेस और होंगी, तो वो दो क्लासेस के बारे में फैक्ट हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा डेली यूट्यूब पे जो हमारी क्लासेस होती है 11 बजे से कंप्यूटर की प्रदीप सर की, 12 बजे से मैथ्स की सोम सर की क्लास होती है, 1 बजे से मेरी पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्लास होती है, 2 बजे से एमपी जीके की क्लास होती है, और सैटरडे को यहाँ पे एमपी के करंट अफेयर का सेशन होता है, 4 बजे से इंग्लिश के अर्जुन सर की क्लास होती है। तो ये सारी हमारी यूट्यूब पे डेली क्लासेस होती हैं। जो लोग अभी पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको सारी क्लासेस की लिंक मिलती रहे, टाइम टाइम पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। क्लास कैसी लगी एक बार कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, परीक्षा एप्लीकेशन पर आया आप सभी के लिए एमपी पटवारी का फुल वीडियो कोर्स जिसका नाम है आपका विजय पटवारी वीडियो कोर्स। इस वीडियो कोर्स में आपके पटवारी के जो 5 स्तंभ रहेंगे, मतलब आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका एमपी जीके और आपका पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का आपको तैयारी करा दिया जाएगा। तो फिर देर किस बात की, आज ही इस कोर्स से जुड़े।